जिस तरह से बाबर आजम को हटाया था, मैं वर्ल्ड कप में था, वो इंट्रीग करके हटाया गया था, वो गलत था, इसलिए कि जिसने इतना सर्व किया आपको, अपना बिल्कुल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको इस तरह से थ्रू पॉलिटिक्स डिसमेंटल नहीं करना चाहिए। और राइट इन द मतलब है, यू थिंक अब शाहीन को भी काफी टाइम मिला है, शाहीन को आपने क्योंकि एक सीरीज की बेसिस पे आप अगर जज कर, मैं मानता हूं आई थिंक ज्यादती होती है, इसलिए कि आपके फिर लॉन्ग टर्म प्लान ठीक नहीं था ना। अगर आपने, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कप्तानी का, बहुत बड़ा डिसीजन होता है कोच अगर आप रिप्लेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो प्लेयर्स इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं। सो मैं समझता हूँ कि बहुत बात करनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी से, क्योंकि जब मुझे कप्तानी से हटाया गया था और इंट्रीग करके हटाया था, मेरा दिल नहीं, एक तो चाहता था क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरा मैं सख्त सेल्फिश हो गया था। अब हमारे यहाँ पीसीबी में चलता क्या है, पीसीबी का जो नया चेयरमैन आता है ना, उसका मकसद होता है कि मैंने कुछ जर्नलिस्ट जो मशहूर है थोड़े, उनके साथ मैंने ताल्लुक बनाना है, और बाकी जो है वो कुछ जो है वो यूट्यूबर्स जो है उनके साथ मैंने ताल्लुक बनाना है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मशवरे भी उन लोगों से लेते हैं और कुछ साबिक खिलाड़ी जो है। अब ऐसा ही हुआ, ज़का अशरफ ने भी कुछ जो है वो जर्नलिस्ट से जो मशवरे लिए, और जिसको जो है वो बाबर पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि बाबर को कप्तानी से हटा दो, और बाबर को ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटा दिया। वैसे अपनी जगह की बात है कि बाबर की कप्तानी में हम जो है वो मैचेस तो जीतते रहे, लेकिन हम बड़े इवेंट्स नहीं जीते हैं, ठीक है, और जरूरी जो मैचेस थे ना वो हम हारते रहे, ठीक हो गया। शाहीन शाह अफरीदी को भी अब बड़ा हो जाना पड़ेगा। आज एक डिसीजन ने ना शाहीन शाह अफरीदी को कोई 5-6 साल उसकी मेंटल एज में इजाफा कर दिया होगा, क्योंकि अब उसको भी समझ आई होगी, जिस तरह हम आमो फैम जमान में कहते हैं ना कि आटे दाल का भाव अब पता चला, सारी दूध का दूध पानी, देखो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाला जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में कौन, सिर्फ मोहम्मद यूसुफ, सिर्फ मोहम्मद यूसुफ एक ऐसे हैं जो कि बाबर की कैप्टनसी के लिए कहते थे कि इमरान खान बाबर 12 साल बाद वर्ल्ड कप जीते तो बाबर को भी 12 साल का कप्तान रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बाबर वैसे शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में पूरे पाकिस्तान में बातें चल रही है, और इसमें अब एक एक कर सभी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर घुसकर अपनी व्यूज दे रहे, और इसमें सबसे लेटेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ रमेश राजा भी अपनी बातें इसके ऊपर कर दी, जहां पर उनका कहना है कि मौजूदा जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे वो पाकिस्तान क्रिकेट को तहस नहस कर रहे, क्योंकि वो खुद ही ऐसे सब डिसीजंस लेकर पाकिस्तान में डिवाइड पैदा कर रहे हैं, और इनके कारण ही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, जहां पर पहले तो बाबर आजम को बेवजह कैप्टनसी से हटाया गया, और फिर जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया, तो इसका क्या मतलब बनता है कि इनको दो सीरीज के बाद ही निकालना, जहां पर अगर आप किसी को टाइम देते हो तो एक लॉन्ग रन दे, ताकि दो सीरीज के बाद ही उस व्यक्ति को कैप्टनसी से हटा दिया जाए। और अब ऐसे दिख रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दो ग्रुप बन चुके हैं, एक है कि बाबर के फेवर में है और एक चाहते हैं कि वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ खेले। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, धन्यवाद। एक तो आप बताएं आपको ये कैसा लगा है फैसला, दूसरा ये कि बाज लोगों का ये ख्याल है कि टीम में ग्रुपिंग हो जाएगी इससे। देखिए मुश्किल सवाल है, जिस तरह से बाबर आजम को हटाया था, मैं वर्ल्ड कप में था, वो इंट्रीग करके हटाया गया था, वो गलत था, इसलिए कि जिसने इतना सर्व किया आपको, अपना बिल्कुल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको इस तरह से थ्रू पॉलिटिक्स डिसमेंटल नहीं करना चाहिए। और राइट इन द मतलब है, यू थिंक अब शाहीन को भी काफी टाइम मिला है, शाहीन को आपने क्योंकि एक सीरीज की बेसिस पे आप अगर जज कर, मैं मानता हूं आई थिंक ज्यादती होती है, इसलिए कि आपके फिर लॉन्ग टर्म प्लान ठीक नहीं था ना। अगर आपने, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कप्तानी का, बहुत बड़ा डिसीजन होता है कोच अगर आप रिप्लेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो प्लेयर्स इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं। सो मैं समझता हूं कि बहुत बात करनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी से, क्योंकि जब मुझे कप्तानी से हटाया गया था और इंट्रीग करके हटाया था, मेरा दिल नहीं, एक तो चाहता था क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरा मैं सख्त सेल्फिश हो गया था, क्योंकि फिर मैं अपने आप को लुक आफ्टर करता था और मैं कहता था टीम भाड़ में जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है तो मैं अपने लिए खेलूंगा। फिर मेरे साथ बैठ के बात की गई,
अपोलोजाइज भी किया गया, फिर कहा भी, बताया भी गया कि यू नो ये सिचुएशन। एक बात बहुत अच्छी है कि आपको सबको खुश रखना पड़ता है, आप सबको खुश रखते हैं ना तो फिर आपके पीछे भी लोग आते हैं। शाहिनशाह अफरीदी की जो पर्सनैलिटी है, जितना वो जल्दी नाराज हो जाता है, जितना जल्दी वो चीज़ों से रूट जाता है, उसने क्यों कह दिया तो उससे भी नाराज, उसने मेरी बॉलिंग की स्पीड पर क्यों आवाज़ उठा दी तो उससे भी नाराज। शाहिनशाह अफरीदी को भी अब बड़ा हो जाना पड़ेगा। आज एक डिसीजन ने ना शाहिनशाह अफरीदी को कोई 5-6 साल उसकी मेंटल एज में इजाफा कर दिया होगा, क्योंकि अब उसको भी समझ आई होगी, जिस तरह हम आमो फैम जबान में कहते हैं ना कि आटे दाल का भाव अब पता चला। सारी दूध का दूध पानी देखो, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाला जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में कौन? सिर्फ मोहम्मद यूसुफ। सिर्फ मोहम्मद यूसुफ एक ऐसे हैं जो कि बाबर की कैप्टनसी के लिए कहते थे कि इमरान खान बाबर 12 साल बाद वर्ल्ड कप जीते तो बाबर को भी 12 साल का कप्तान रहना चाहिए, वरना वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, असद शफीक तो चलो न्यूट्रल है, ये ऑन रिकॉर्ड बाबर की कैप्टनसी के खिलाफ है। बाकी फिर वो कौन है? वो जो बिलाल अफजल साहब आए हैं, जिनका ना कोई अलिफ है, ना कोई बे है, ना क्रिकेट से कोई लेना देना है। ऐसी कौन सी सिलेक्शन कमेटी है जिसने फैसला एनोनिमस डिसीजन दे दिया? क्या वहाब रियाज ऑटोमेटिकली उनकी सोच तब्दील हो गई, या अब्दुल रजाक की ओपनली सोच तब्दील हो गई? क्योंकि अब्दुल रजाक और मोहम्मद अपना वहाब रियाज तो ओपनली पब्लिकली और चैनल बैठ के ऑन टीवी बैठ एग्जैक्टली वो डेली जो आपको बताया कि बाबर आजम की स्पोर्ट में वीडियोज आती है, उनकी वीडियोज इतनी किसी और के स्पोर्ट में नहीं आती है जितनी बाबर आजम के लिए आती है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पीसीबी में चलता क्या है? पीसीबी का जो नया चेयरमैन आता है ना, उसका मकसद होता है कि मैंने कुछ जर्नलिस्ट जो मशहूर हैं थोड़े, उनके साथ मैंने ताल्लुक बनाना है, और बाकी जो है वो कुछ जो है वो यूट्यूबर्स जो है उनके साथ मैंने ताल्लुक बनाना है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मशवरे भी उन लोगों से लेते हैं और कुछ साबिक खिलाड़ी जो है। अब ऐसा ही हुआ, ज़ाका अशरफ ने भी कुछ जो है वो जर्नलिस्ट से जो मशवरे लिए, और जिसको जो है वो बाबर पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि बाबर को कप्तानी से हटा दो, और बाबर को ज़ाका अशरफ ने कप्तानी से हटा दिया। वैसे अपनी जगह की बात है कि बाबर की कप्तानी में हम जो है वो मैचेस तो जीतते रहे, लेकिन हम बड़े इवेंट्स नहीं जीते हैं, ठीक है, और जरूरी जो मैचेस थे ना वो हम हारते रहे, ठीक हो गया। तो अब फिर जो है वो शाहीन को तब जो है कप्तान बनाया गया, हालांकि शाहीन के हक में बहुत सारे लोग नहीं थे, मेरे समेत के शाहीन कप्तान नहीं होना चाहिए, आपने बनाना है अगर आप रिजवान को बना दें, ठीक है, लेकिन तब उसे बना दिया गया। अब उसे कप्तान जब बना दिया गया तो उसके बाद क्या था? उसके बाद आपने उसे टाइम देना था जैसे आपने बाबर को टाइम दिया। एक्सप्लेनेशन बड़ी जरूरी है इस वक्त बाबर आजम को और क्रिकेट बोर्ड को शाहिनशाह अफरीदी के साथ करने की, बिकॉज और उनको प्रॉपर्ली हर्ट होंगे, वो इस वक्त एनॉयड होंगे, उनको विन ओवर करना है क्योंकि वो आपके मैच विनर हैं, और मैच विनर को आप एक बहुत ही अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में वर्ल्ड कप में उतारेंगे, ना कि वो ये समझे कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। अगर मुझे बताया जाना चाहिए था कि अगर मैं एक सीरीज के लिए आया था तो मैं उसी तरह से प्रिपेयर करता, मुझे लॉन्ग टर्म के ख्वाब क्यों दिखाए गए। सो ये फिर आपकी तोड़फोड़ जरूर होती है, और इसमें फिर मैसिवली ब्रिलियंट मैनेजमेंट की जरूरत होगी। और आप बाबर आजम को बतौर कैप्टन कैसे देखते हैं? देखिए, इनमें इम्प्रूवमेंट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको आइडिया है कि कप्तानी कैसे करनी है, ये एका रखते हैं टीम में, जब आप हारते भी हैं तो तोड़फोड़ नहीं होती है।